हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। सो गाइस, इंडियन इंग्लिश ग्रामर के चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज के इस वीडियो में ग्रामर के कुछ खास पॉइंट्स लेकर आया हूँ, जिसे आप सीखें और अपनी लाइफ में, चाहे आप कंपटीशन में यूज करें या बोर्ड के एग्जाम में यूज करें, हर जगह ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ऑलराइट, तो गाइस इस वीडियो में विशेष रूप से मैं यूज ऑफ मस्ट लेकर आया हूँ, ठीक है। और इस मस्ट का यूज क्या करते हैं हम, इसमें आपको 7 पॉइंट के द्वारा बताएंगे। और अगर आपने इसे अच्छे से लर्न कर लिया तो मस्ट के यूज में आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मस्ट है, इस मस्ट का मतलब होता है चाहिए, ठीक है ना। और शॉर्टली एक बात आप समझ जाएं, शॉर्टली विशेष, कि मस्ट का यूज जो होता है वो शुड के मीनिंग के तरह ही होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया हुआ था, ये आपका शुड का प्रयोग कर दिया गया था, जिसमें 12 रूल आपको दिए गए हैं यूज ऑफ शुड का, और ये मस्ट है। तो शुड और मस्ट में अंतर तो है ही, 100% अंतर है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज ध्यान देने की बात है कि जो मस्ट होता है, इसका मतलब जहाँ पे चाहिए हिंदी मीनिंग आया सेंटेंस में, और उसमें कई पॉइंट हो, जैसे कर्तव्य करना हो, या फिर बाध्यता हो, या फिर पक्का इरादा हो, या फिर निश्चितता हो किसी क्रिया को करने के लिए, तो वहाँ पे हम चाहिए के लिए मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पहला एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, ठीक, कि ड्यूटी मतलब कि कर्तव्य, किसी भी व्यक्ति की ड्यूटी जो होनी चाहिए, ऐसा करने वाले सेंटेंस के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी, सभी को अपना कर्तव्य करना ही चाहिए। मान लीजिए हमने कहा सभी को अपना कर्तव्य करना चाहिए, अगर आपने यहाँ पे मस्ट का यूज किया है तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं कर्तव्य की बात हो रही है और ड्यूटी की बात हो रही है ना। जैसे मान लीजिए हिंदी में हम और भी सोच सकते हैं कि हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, ये आपका कर्तव्य है ना, राइट ना। तो ये हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, यह आपका कर्तव्य है, ठीक है ना। शुड और मस्ट का मीनिंग तो एक ही है, बस आपको ये पॉइंट याद रखना है, कर्तव्य हो जहाँ पे वहाँ पे हमें मस्ट का यूज करना है, बाध्यता हो तो मस्ट का यूज करना है, पक्का इरादा हो, निश्चितता हो, 3 पॉइंट और भी हैं, आगे अभी बताऊंगा मैं आपको, तो इस जगहों पे हम मस्ट का यूज करते हैं, ठीक। आगे दूसरा एग्जाम्पल आपका कंपल्सन है। कंपल्सन का मतलब होता है जरूरी या बाध्यता, कहने का मतलब कहीं पे आपको किसी कार्य को करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। बाध्य का मतलब बंधन में आप बंध करके उस काम को कर रहे हैं, और उस हिंदी सेंटेंस में चाहिए आ रहा है तो वहाँ पे भी आप मस्ट का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए ये इंग्लिश में है कि यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, तुम्हें जैसा कहा गया है वैसा ही करना चाहिए, राइट ना। तो ये कहीं ना कहीं एक बाध्यता, मतलब एक फोर्स उसको दिया जा रहा है व्यक्ति को करने के लिए, कि जैसा तुमको कहा गया वैसा ही करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा, मान लीजिए, है ना। तो ऐसा अगर है तो वहाँ पे मस्ट का हम यूज करेंगे, ठीक। यहाँ आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे, फिक्स डिटर्मिनेशन, करने का मतलब पक्का इरादा, किसी कार्य को करने के लिए अगर आपका एकदम पक्का इरादा है कि नहीं ये मुझे करना ही चाहिए, है ना, तो वहाँ पे भी आप मस्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे शी मस्ट गो, उसे जाना ही चाहिए कह सकते हैं आप, या फिर उसे जाना चाहिए, लेकिन आपके सेंटेंस के भाव से ये पता चल रहा है कि यह जो है आपका पक्का इरादा है, तो यहाँ पे भी हम मस्ट का यूज कर दिए हैं, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शुड और मस्ट के कुछ विशेष पॉइंट है जो कॉमन है या डिफरेंट है, वो एक साथ लेकर आऊंगा और भी चीजें समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले इसे क्लियर करें। अगला पॉइंट है आपका सर्टेनिटी, मतलब निश्चितता, किसी क्रिया को करने के लिए अगर निश्चितता आपको दिखाई दे रही हो तो वहाँ पे भी आप मस्ट का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, यू मस्ट विन दिस मैच, तुम्हें यह मैच जरूर जीतना चाहिए, मान लीजिए, ठीक है ना, या जीतना ही चाहिए, है ना। तो वहां पे हम जो है इसकी इंग्लिश बनाए हैं, यू मस्ट विन दिस मैच, क्लियर हो गया। आगे हम यहाँ पे आ गए पांचवें पॉइंट पे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, स्ट्रांग लाइकलीहुड, कहने का मतलब प्रबल संभावना, जहाँ पे एकदम संभावना बहुत ज्यादा है और उस हिंदी सेंटेंस में चाहिए आ रहा है, तो वहाँ पे भी आप जो है मस्ट का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि ही मस्ट बी ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर होना चाहिए, मतलब कोई व्यक्ति है कहीं पे और उसके कपड़े से या शक्ल से मान लीजिए नहीं क्लियर हो पा रहा है, लेकिन कुछ आप शक कर रहे हैं, संभावना जता रहे हैं कि नहीं वह एक डॉक्टर ही होना चाहिए, तो वहाँ पे भी हम प्रबल संभावना के लिए मस्ट का यूज करे हुए हैं, राइट ना। और अगला पॉइंट है आपका इनविटेबल, इनविटेबल का मतलब होता है अनिवार्यता,
किसी कार्य को करने के लिए अनिवार्यता हो, अनिवार्यता का मतलब एकदम जरूरी हो, है ना, तो वहाँ पे भी हम मस्ट का यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस है कि स्टूडेंट मस्ट वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत ज़्यादा करना चाहिए या कठिन परिश्रम करना ही चाहिए, ऐसा अगर आता है तो वहाँ चाहिए के लिए हमने मस्ट का यूज कर लिया, सिंपल सा है ना, राइट। तो ये हो गया आपका छठा पॉइंट। आगे आपका सातवां पॉइंट गए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि राइट एन ऑर्डर हो या इंस्ट्रक्शन हो, कहने का मतलब कहीं पे लिखित निर्देश दे रहे हैं किसी को या आदेश दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, टीचर्स मस्ट बी हियर एट 9 o'clock, मतलब अध्यापक यहाँ 9 बजे तक पहुँच ही जाना चाहिए या 9 बजे तक यहाँ होने चाहिए, राइट ना। ऐसा अगर आपको हिंदी मिल रहा है तो उसका भी इंग्लिश हम इस तरह से करेंगे मस्ट का यूज करके, जैसे कि आप जान रहे हैं कि राइट एन ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन है ना। तो गाइज ये टोटल के टोटल जो है यूज ऑफ मस्ट है, मस्ट का और कहीं प्रयोग नहीं होता। और हाँ एक चीज़ है, और सारी डिटेल को जानने के बाद में आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि जो मस्ट होता है गाइज वो शुड की मीनिंग की तरह ही होता है ना, लेकिन बस अंतर यही है कि इसमें स्ट्रांग लाइकलीहुड हो या फिर इनटेबल हो, राइट एन ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन हो, या फिर 4 पॉइंट ड्यूटी वगैरह आपको उधर बताया मैंने पीछे, तो ये सारे अगर पॉइंट्स कहीं पे हैं तो इसका मतलब वहाँ पे मस्ट का यूज करना है, राइट। तो गाइज आई एम श्योर कि आपको ये बातें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होंगी, और इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल खुद से बना सकते हैं। और याद रखिएगा कि कंटिन्यू नहीं अगर आप चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे बेल आइकन भी प्रेस करें, और यह फ्री है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता आपका। और डेली आप वीडियो देखिए, ग्रामर की अच्छी जानकारी दीजिए, आप अगर किसी क्लास में हो या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह आपके लिए सब यूजेबल हैं। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर मिलते हैं कुछ नई चीज़ें, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।